नमस्कार दोस्तों, नॉलेज और ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, रोलिंग मार्जिन ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील। जिसे ये वर्ड सुनते ही बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये रोलिंग मार्जिन क्या है और ये कहाँ यूज होता है, या फिर इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको बिलिंग में या फिर रिकन्सिलेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो ये रोलिंग मार्जिन, एक इन शॉर्ट अगर रोलिंग मार्जिन क्या है, रोलिंग मार्जिन एक डिफरेंस है जो एक्चुअल वेट, स्टील का जो एक्चुअल वेट आता है, जैसे स्टील हम रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद उसका लेंथ वाइज हम लोग जो एक्चुअल वेट करते हैं, और जो स्टैंडर्ड वेट है, स्टैंडर्ड वेट मतलब यूनिट जो भी रनिंग मीटर पर केजी, केजी पर रनिंग मीटर, सॉरी जो भी यूनिट स्टैंडर्ड केजी पर रनिंग मीटर वेट है, और एक्चुअल में साइड में जो स्टील आता है उसका वेट है, ये दोनों का जो डिफरेंस है इसको हम रोलिंग मार्जिन बोलते हैं। अभी हम आज के वीडियो में रोलिंग मार्जिन के बारे में डिटेल देखेंगे। रोलिंग मार्जिन ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील। रोलिंग मार्जिन ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील जानने के लिए सबसे पहले हमको रोलिंग क्या है वो जानना बहुत ही जरूरी है। रोलिंग एक टाइप का एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जैसे शीट्स हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया, जैसे लार्ज लेंथ के बीम, आई बीम, रेल बोर्ड्स वगैरह रेनफोर्समेंट बार्स है, ये इनका पूरा रोलिंग है। इसमें मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, इसमें अलग टाइप के जो मेटल वर्क पीसेस रहते हैं उनको एक से रोल्स को कॉम्प्रेस किया जाता है और उसको वो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम करते हैं और उनका लेंथ बढ़ता है, मतलब ये प्रोसेस में वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होके उनका लेंथ बढ़ता है। तो ये प्रोसेस में प्रोडक्शन रेट बहुत हाई रहता है, सरफेस फिनिश भी अच्छा रहता है, ग्रेन स्ट्रक्चर इसमें जो भी है वो भी बहुत सूटेबल मेटल फॉर्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें लार्ज लेंथ के लिए भी ये सेम क्रॉस सेक्शनल वर्क फॉलो किया जाता है, फिर यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका हाई सेटअप कॉस्ट है रोलिंग मशीन की वजह से, या फिर उसका एक अल्टरनेट प्रोसेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी रोलिंग का कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के रोलिंग्स हैं, जैसे थ्रेड और गियर रोलिंग है, उसमें बाद में शेप रोलिंग है, फिर रिंग रोलिंग है, फिर ट्यूब पियर्सिंग है, फिर स्क्यूस रोलिंग है, फिर ट्रांसवर्स रोलिंग है। अभी हम लोग ये सब पूरा मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, एज अ सिविल इंजीनियर हम लोगों को अभी इतना इसकी ज़्यादा इससे ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। तो हमको मेनली कंसर्न क्या है, स्टील का जो प्रोडक्शन है उसका क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, वो हम लोगों को देखना है। तो रोलिंग मार्जिन क्या है, रोलिंग मार्जिन एक परसेंटेज ऑफ डेविएशन है इन सेक्शनल वेट ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील अलाउबल एज पर आईएस कोड, मतलब एज पर आईएस कोड में स्टील का जो भी डिफरेंस एक्चुअल वेट और थियोरेटिकल वेट में जो डिफरेंस है उसका एज पर आईएस कोड में जो भी परसेंटेज अलाउबल है उसको हम रोलिंग मार्जिन बोलते हैं। तो ये रोलिंग मार्जिन में स्टील जो है एक टाइप एक्सट्रूड किया जाता है, मोल्ड या फिर डाई जो रहता है उसमें पास करके और रोलर्स के थ्रू उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो भी रिक्वायर्ड डायमीटर चाहिए उसको हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। व्हाट इज रोलिंग मार्जिन, जैसे मैंने बोला कि अलाउबल मार्जिन इन द परसेंटेज डेविएशन ऑफ एक्चुअल यूनिट वेट ऑफ अ स्टील बार फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड और थियोरेटिकल वेट इज कॉल्ड अ रोलिंग मार्जिन। मतलब इन अदर वर्ड्स अगर बोलना है तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वेट ऑफ राउंड बार्स ऑफ स्टील बार्स वर्सेस थियोरेटिकल वेट्स, इसमें जो भी डिफरेंस आता है उसका जो अलाउबल डेविएशन है उसको हम रोलिंग मार्जिन बोलते हैं। एज पर आईएस कोड 1786-2008 इसमें हाई स्ट्रेन डिफॉर्म स्टील बार्स और वायर्स जो ये कॉन्क्रीट रेनफोर्समेंट के लिए यूज करते हैं, इसमें फोर्थ रिविजन है उसके लिए ये आईएस कोड रेफर करते हैं। तो उसमें टेबल वन में मेंशन किया गया है नॉमिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कौन कौन से डिफरेंट टाइप के डायमीटर्स स्टील के है, जैसे 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm और 40 mm। तो इस ये करने का पर्पज ये है, ये जो स्टील कास्टिंग का रिवर्स का जो प्रोसेस है इसमें जैसे डायमीटर, जैसे टाइम ज़्यादा जाता है उसके हिसाब से वो डायमीटर या फिर शेप चेंजेस होता है, तो उसका रिजल्ट की वजह से स्टील का वायर का डायमीटर भी चेंजेस होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस आने की वजह से ये स्टील के वेट में फर्क आता है। अभी
साइज ऑफ डाई, मतलब ये जो डाई रहता है उसका जनरली स्मॉल रखते हैं, तो उसकी वजह से रोलिंग मॉडुलेशन निगेटिव आता है इनिशियल स्टेज में ये। और इसमें अगर कुछ देर के बाद में उसको मोर और लेस क्लोज टू थियोरेटिकल वेट के पास आता है या फिर निगेटिव आता है, और अब जब अगर साइज ऑफ डाई हम इंक्रीज करते हैं तो उसके बाद रोलिंग मार्जिन जो आता है वो पॉजिटिव साइड में आता है। इसमें एक टेबल दिया हुआ है, इसमें जो टॉलरेंस नॉर्मल मास मेंशन किया है, जैसे क्लॉजेस 6.2 और 7.2.2 है, सीरियल नंबर नॉमिनल साइज टॉलरेंसेस, इसमें अप टू एंड इंक्लूडिंग 10 mm, तो उसमें बैच वाइज दिया है प्लस और -7, इंडिविजुअल सैंपल का दिया -8, और इंडिविजुअल सैंपल फॉर कॉइल्स कॉइल्स का जो रहता है उसमें प्लस और -8 दिया हुआ है। इसमें ओवर 10 अप टू एंड इंक्लूडिंग 16 mm, तो इसमें दिया है प्लस और -5 बैच का, इंडिविजुअल सैंपल का -6, और इंडिविजुअल सैंपल ऑफ फोर कॉइल्स का प्लस और -6। ओवर 16 mm डाय का है बैच का है प्लस और -3, इंडिविजुअल सैंपल का -4, और इंडिविजुअल सैंपल फॉर कॉइल्स का है प्लस और -4। फॉर इंडिविजुअल सैंपल्स प्लस टॉलरेंस इज नॉट स्पेसिफाइड, मतलब जो इंडिविजुअल सैंपल है इसमें जनरली प्लस जो टॉलरेंस है वो स्पेसिफाई नहीं किया जाता, और ये सिंगल सैंपल लिया जाता है जो ये टेकन फॉर अ बैच एज डिफाइंड इन 3.1 इसमें जो मेंशन किया है, एंड शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल सैंपल। और कॉइल बैच के लिए जो टॉलरेंस है वो नॉट स्पेसिफाइड है। अभी रोलिंग मार्जिन का कैलकुलेशन या फिर कैसे वर्कआउट करते हैं, तो रोलिंग मार्जिन इज द परसेंटेज ऑफ डेविएशन इन सेक्शनल वेट ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील अलॉन्ग एज पर ISO। तो रेनफोर्समेंट स्टील एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ मोल्ड, मतलब एक मोल्ड से उसको एक्सक्लूड किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर साइज, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 8 mm डाय का है, अभी जब जब ये मोल्ड नया रहता है तो वो सेक्शनल वेट ऑफ 8 mm स्टील एक्सट्रूड करते हैं, तो वो मोड से करने की वजह से उसको एग्जैक्ट एज पर आई स्टैंडर्ड जो अपना 8 mm का वेट है 0.395 kg पर रनिंग मीटर उससे कम आता है। तो मोल्ड जब थोड़ा बड़ा हो जाता है ज़्यादा यूज करने के बाद में, तो उसके बाद में सर्टन पीरियड होने के बाद में एक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो भी है उसको एक लेते हैं और उसका बाद में मेजर करते हैं। अभी सेम अगर 8 mm डाय का बार उसमें एक्सट्रूड करते हैं उसी मोल्ड में, दे उसके बाद में उसका जो वेट आता है वो 0.400 kg पर मीटर इंस्टेड ऑफ 0.395 kg एज पर IS। तो ये जो डिफरेंस है दिस इज मोर मास एज पर मीटर पर लेंथ, सेम लेंथ के लिए रिक्वायर्ड, दिस इज दैट इज मोर मास पर मीटर पर लेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर सेम लेंथ। अब ये जो डेविएशन है इन वेट इज डिफाइंड इन एज IS कोड 1786 फॉर डिफरेंट डायमीटर, ये जो डेविएशन है वो अलग अलग डायमीटर का जो भी है उसका परसेंटेज मेंशन किया है, जैसे 8 mm टू 10 mm है प्लस और -7%, 12 mm टू 16 mm है प्लस और -5%, 20 mm टू अबव है प्लस और -3%। अभी रोलिंग मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है टोटल वेट ऑफ बार्स डायमीटर वाइज डिवाइडेड बाय टोटल रनिंग मीटर ऑफ बार्स इज इक्वल टू एक्चुअल सेक्शनल वेट ऑफ बार्स, इस हिसाब से उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो कंपेयर सेक्शनल वेट विद स्टैंडर्ड IS वेट, वेट एज पर IS स्टैंडर्ड इज इक्वल टू डाया इन टू डाया वगैरह 162। स्टैंडर्ड वेट निकालने का फॉर्मूला है D² / 162। एक सैंपल रिपोर्ट है रोलिंग मार्जिन का, वो कैसे निकालते हैं, तो इसमें देखिए ID नंबर मेंशन किया है, डायमीटर ऑफ बार मेंशन किया है, स्पेसिफाइड यूनिट वेट ऑफ बार पर मीटर इन kg मेंशन किया है, एक्चुअल लेंथ ऑफ बार मेंशन किया है, थियोरेटिकल वेट ऑफ बार मेंशन किया है, एक्चुअल वेट ऑफ मेंशन किया है, डिफरेंस मेंशन किया है और परसेंटेज ऑफ डिफरेंस मेंशन किया है। तो सबसे पहले देखेंगे 16 mm का डायमीटर है, इसमें स्पेसिफाइड यूनिट वेट है 1.58 kg, इसमें एक्चुअल लेंथ ऑफ बार है 0.997 मीटर, थियोरेटिकल वेट ऑफ बार आएगा 1.575, तो एक्चुअल वेट कितना आएगा 1.517 है, तो डिफरेंस कितना आ गया -0.583, और परसेंटेज ऑफ डिफरेंस आ गया -3.698, तो ये 16 mm का परसेंटेज आ गया। ये दूसरा भाग, इसमें 16 mm का है 1.58 स्पेसिफाइड यूनिट वेट है, एक्चुअल लेंथ ऑफ बार है 1.002,
थेरोटिकल वेट मैंने 1.583, एक्चुअल वेट कितना है 1.527, और डिफरेंस कितना का है माइनस 0.0562, तो इसमें परसेंटेज का डिफरेंस आ गया माइनस 3.547%। तो ये तीसरा है 16 mm का, इसका भी स्पेसिफाइड यूनिट वेट है 1.58, एक्चुअल लेंथ इसका 1 मीटर है, थेरोटिकल वेट है 1.58, एक्चुअल वेट है 1.523, डिफरेंस आ गया माइनस 0.0570 और परसेंटेज ऑफ डिफरेंस आ गया माइनस 3.608। ये 20 mm डायका बार है, इसका स्पेसिफाइड यूनिट वेट है 2.469, इसका एक्चुअल लेंथ है 0.998, तो थेरोटिकल वेट बार आ गया 2.464, एक्चुअल वेट है 2.418, दोनों का डिफरेंस है माइनस 0.0461, तो परसेंटेज ऑफ डिफरेंस आ गया माइनस 1.869। तो 20 का दूसरा बार है, इसका एक्चुअल स्पेसिफाइड यूनिट वेट 2.469, एक्चुअल लेंथ है 0.997, तो थेरोटिकल वेट ऑफ बार आ गया 2.462 और एक्चुअल वेट आ गया 2.421, और दोनों का जो डिफरेंस है माइनस 0.406 और परसेंटेज में आ गया माइनस 1.649। तो ये तीसरा 20 का बार है, इसमें स्पेसिफाइड यूनिट वेट है 2.469, बार का लेंथ है 0.996, थियोरेटिकल वेट है 2.459, एक्चुअल वेट है 2.42, दोनों का डिफरेंस है माइनस 0.0391 और डिफरेंस परसेंटेज में आ गया माइनस 1.591। तो इस हिसाब से ये परसेंटेज निकालते हैं। अभी हम देखेंगे रोलिंग मार्जिन का स्टील रिकंस्ट्रक्शन में कैसा यूज होता है। तो सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड वेट ऑफ स्टील है 1.58 केजी पर मीटर, ये 16 mm बार का है, और लेंथ ऑफ स्टील रिसीवर उसका वेट आ गया 1.63 केजी पर मीटर। तो जैसे अगर 1 लाख टन स्टील आ गया तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.63, 1 लाख केजी स्टील आ गया तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.63 इज इक्वल टू 61,349.693 मीटर। लेकिन एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील एज पर स्टैंडर्ड वेट कितना है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.58 इज इक्वल टू 63,291.139 मीटर। तो इसमें जो वेट का लॉस हुआ, जैसे डिफरेंसेस है 1.63 माइनस 1.58 डिवाइडेड बाई 1.58, तो टोटल कितना आ गया 3.16%। दिस इज द रोलिंग मार्जिन ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील। तो दोस्तों हमने देखा रोलिंग मार्जिन ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील क्या है, उसको कैसे निकालते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके साथ ही आईएस कोड के हिसाब से उसका लिमिटेशन क्या है, डायवेज क्या क्या लिमिटेशन है, कितना परसेंटेज है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए, तो और ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।